नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं अजीत दिया और आप देख रहे हैं एजे न्यूज 01। रात को जागरण थी और आज जागरण का समापन हुआ है। कुटिया की इस धरा पर आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले, कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने वाले सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें अभिवादन करता हूँ। जब मैं छोटा था तो किताबों के माध्यम से कबीर साहब के बारे में थोड़ा बहुत सुनने को मिलता था, तो शिक्षा पूर्ण हुई तो बड़ी बड़ी ग्रंथ भी पढ़े, लेकिन कबीर साहब के बारे में नज़दीकी से जानकारी मुझे साधु संतों से मिली और उसमें हमारे गांव में कबीर साहब की बंदगी की जय जयकार करने वाले रणजीत दास सनो खानूराम जी, मेरे बड़े भाई, कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मैंने अपने जीवन के अंदर कभी ये नहीं निकाला जातिवाद को बढ़ावा या जातिवाद का वातावरण मन में रखा। शुरू से ही मेरी ऐसी भावना थी, हम साथ में पढ़ते थे, एससी और एसटी के कई बच्चे हम साथ में पढ़ते थे, तो शुरू से ही हमारा प्रेम भाव था, हमारे बुजुर्गों में भी अच्छा बहुत ही नेक प्रेम भाव था। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे को चार पीढ़ी मैंने देखी, चार पीढ़ियों तक हमारे भीलों और मेघवालों के अंदर किसी प्रकार का कोई वातावरण दूषित नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कभी भी खेटे को लेकर के हने बकरियों ले, थारी मारियों ले, या कोई वाद विवाद, या कोई वोटों न ले, या और भी कोई राजनीतिक पार्टियों न ले, कदे भी हमारे चार पीढ़ियों के अंदर अभी मैंने कोई भी द्वितीया भाव नहीं देखा। ये भील और मेघ वालों का एक अटूट प्रेम जो है, ये आप बाहर से पधारे हुए लोग इसकी सीख ले जाएं कि ये बुटिया के अंदर भील और मेघवाल साथ में ही रहते हैं, साथ में ही उठते हैं, बैठते हैं और साथ में ही खाते हैं। ये बहुत अनुकरणीय बात है, प्रेरणादायी बात है। इसके लिए मैं तो श्रेय दूंगा ये कबीर साहिब को कि उनके सिद्धांतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से हमारे भील समाज में भी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े भी पढ़े लिखे लोग हैं, कबीर साहब को मानते हैं, साथ में बाबा साहब को भी मानते हैं और भी महापुरुषों को, बिरसा मुंडा को भी मानते हैं, तो झलकारी बाई को भी मानते हैं। तो ये हमारे अभी जो है बच्चों के अंदर जो आगे जो वातावरण बढ़ रहा है वो महापुरुषों की देन है। महापुरुषों की देन जो है वो हमारे साधु संत जो है, ये हमारे मिशनरी लोग हैं। देखो, किसी कबीर पंथ से जुड़ जाना उनको हम साधु संत कहते हैं, लेकिन सभी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के अंदर भुराराम भाई जैसे मिशनरी साथी रणजीत भाई हमारे बीच नहीं रह रहे, उनके विचार हमारे बीच है। मैं दीपाराम को, उनके पुत्र दीपाराम से विनम्र आग्रह करूँगा कि हमारे जो रंजीत दास भाई की जो मंशा थी कि साथ में उठें, साथ में बैठें, सबको साथ में लेके चलें, ज़्यादा सुने और कम बोलें, और अधिक से अधिक जो है प्रेम भाईचारा सद्भावना आपस में जो है वातावरण ऐसा बने कि हम एक जाजम के भाती बने। चाहे भील हो, मेघवाल हो, गुरु हो, एससी एसटी में कोई भी हो, बहुजन, हम एक ही जाजम के ऊपर बैठ करके किसी न किसी बात का अच्छा विचार विमर्श करें, अच्छा सिद्धांत जो है उसका अनुकरण करें। और कबीर साहब तो सागर है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम भी कितना बढ़िया रखा, सुख सागर। यानी उस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में रोम रोम में सुख का एहसास होगा, शांति का एहसास होगा, प्रेम भाईचारा का एहसास होगा, आपको अद्भुत शक्तियाँ का ज्ञान होगा, आपके खुद के अंदर क्या भरा पड़ा है उसका आपको ज्ञान होगा, आपका मन और मस्तिष्क दोनों जो है एक ऐसी दिशा में दौड़ने लगेंगे जहाँ प्रेम ही प्रेम है, सद भाईचारा भी है, अपनत्व है, मानव क्या कल्याण कर सकता है। जब हमारे अंदर ऐसी धारणाएं पैदा हो जाती है, हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हम साधु संतों का जो है उपदेशों को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। साधु संतों को इनको कोई घर नहीं चलाना है, ये क्यों समय दे रहे हैं, क्यों एक जगह जाकर के रात भर बैठ के जागरण कर रहे हैं। जागरण का मतलब क्या होता है, तंदूरा पीटना होता है, जिंजी पीटना होता है, ढोलक पीटना होता है, नहीं, ये साज और आवाज तो आप लोगों की नींद हटाने का जरिया है। क्या आपको नींद नहीं आए, थोड़ा सा नयापन रहे जागरण में, थोड़ा जगाने का जो मनोरंजन ऐसा हो रहा है जिससे आपको नींद आपके पास में नहीं फटके, आप नींद के आगोश में नहीं जाएं, इसलिए तो ये तंदूरा ढोलक वगैरह आरूनी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि जो साधु संतों के मुंह से जो वाणी निकलती है
वो पानी, वो वाणी ही पानी की तरह है और पानी सबसे निर्मल है और पानी से ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी पानी का संदेश विनम्रता है, नम्रता है। साधु संतों की वाणी ये कहती है कि ये साज और आवाज तो हमने आपको नींद में दूर रखने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्थि इनका असली इस्तेमाल ये है, इनकी जो वाणी है जो पानी की तरह है, वो उसको हमें अंगीकार करना चाहिए, तब हमारा भी कल्याण है, हमारे परिवार का भी कल्याण है, हमारे तन भाई रिश्तेदारों का भी कल्याण है, हमारे एससी एसटी भाइयों का सबका कल्याण है। मैं आज आप लोगों से एक बहुत बड़ा आग्रह करना चाहूँगा कि आज इस जाति पर पढ़ ले लें कि हम ना भील है ना मेघवाड़ है, हम एसटी और एससी, हम दो वर्ग हैं, दोनों वर्गों के लोग हम एक जाति की तरह हैं। और ये साधु संत महात्मा जो भी है इस लोक में हुए हैं, थोड़ा समय पहले हुए हैं, हजारों साल पहले हुए हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को पकड़ना है और अपने जीवन में डालना है। जिस दिन आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको रेलगाड़ी पकड़नी पड़ेगी, पैदल नहीं जा सकते आप, गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, तब आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह आराम से जा सकते हैं, लोगों से मिलना हो सकता है, आपका कोई काम सार्थक हो सकता है। तो हम इस जीवन की यात्रा के अंदर, इस मृतलोक के अंदर, इस भवसागर में अपनी जो गाड़ी है, वो गाड़ी जो मोक्ष की ओर जा रही है, उस गाड़ी को पकड़ने के लिए जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तो हम घाणी के बैल कहलाएंगे। तेली तेल निकालता है, घाणी निकालता है, घाणी में बैल जोतता है, बैल की आंखें बंद कर देता है, उसको पूरा दिन घुमाता है, दो तीन घाणियां निकाल देता है, बैल बेचारा समझता है कि मैं बहुत ही 10-20 किलोमीटर चल गया, अब मेरा मालिक मुझे रेस्ट देगा। जब उसकी शाम को आंखें खोली जाती है तो वो उसी लकड़ में बंधा हुआ मिलता है और वो समझता है कि ये तो मेरा भ्रम था, ये तो मेरा भ्रम था कि मैं समझ रहा था कि मैं 10-20 किलोमीटर चला गया हूँ, लेकिन असल में तो मैं इसी लकड़ में बंधा हुआ हूँ। तो भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे संतों, ये बात सच है, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो मेरे जीवन में जैसा पाया है वही बता रहा हूँ। हम, हमारा जीवन घाणी के बैल की तरह हो गया है और हम उसी को समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है हम, लेकिन अगर हमें वास्तविक जीवन को आगे बढ़ाना है तो उसका एक ही जरिया है, हमारे महापुरुष, उनके सिद्धांत, उनके बताया गया मार्ग, वर्तमान में जो साधु संत महात्मा है, जो महापुरुषों की तर्ज पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर हमारे को समय समय पर जागरण के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से यही विनम्र अनुरोध करूंगा, आज इस मौके पर रंजीत दास के इस समाधि स्थल और बाबा साहब के इस पवित्र स्थल पर आप सभी से विनम्र हाथ जोड़कर कि आप अपना भी कल्याण करें और अपने एससी एसटी वर्ग का भी कल्याण करें, सबके बारे में कल्याण ही कल्याण का सोचें। और अगर गंदा विचार, नकारात्मक विचार, ओछा विचार, किसी प्रकार का दुर्भावना का वातावरण दिमाग में आ जाए तो आंखें बंद करके शांत होकर के 10 मिनट की तरफ जो है अपने महापुरुष का किसी का ध्यान कर लें। अध्यापक एवं ऐसी महाशशि वीरा राम जी भुटिया का कैसा लगा भाषण कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।